सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप किसी भी फ़ोन का डेटा किसी भी फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप नया फ़ोन खरीदते हो तो आपका पुराना डेटा नए फ़ोन में डालने के लिए आप पीसी और लैपटॉप का यूज़ करते हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, कोई डेटा छूट जाता है, तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए एक जियो ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, काफ़ी लोगों को पता होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे समय नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं हूँ जतिन पटेल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे टाइप करेंगे जियो स्विच। को यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जियो स्विच सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र एंड शेयर। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई एड्स शो नहीं होगी, इजीली आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे इस एप्लीकेशन से। 1 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, 4.4 की अच्छी खासी रेटिंग से यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है ये। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सेम तरीका यूज़ करना है, जैसे आप जेंडर से फाइल ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर सेंड और रिसीव करना है, वही सेम फंडा आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे दो फ़ोन नहीं है, मैं आपको मेरे फ़ोन में सिंगल फ़ोन में करके बताऊँगा कि इस तरीके से आपको सेंड करना है और रिसीव करना है। जिस फ़ोन से आपको आपके पुराने फ़ोन को यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस फ़ोन में आप पूरा डेटा लेना है यानी आपका पूरा नया फ़ोन, वहाँ पर आपको रिसीव का बटन पर क्लिक करना है। तो आपको जैसे यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है, जैसे सारी वीडियोज़ चाहिए तो आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है, फ़ोटोज़ चाहिए तो फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। मेरे फ़ोन के अंदर 5145 फ़ोटोज़ है, एप्लीकेशन है तो मैं वो एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे म्यूज़िक, फिर फाइल है, मेरी जो फाइल्स है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे छूटेगा नहीं, मेरे सारे फ़ोटोज़ से वीडियो से लेके एप्लीकेशन से लेके कॉल लॉक से लेके कैलेंडर एंट्रीज मैसेजेस आपको यहाँ पे परमिशन भी देनी पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और सामने वाले फ़ोन के अंदर आपको रिसीव का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ पे आईफोन है पे ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेंड डेटा आईफोन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आपको यहाँ पर सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन में ही रिसीव पे बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको अपने नए फ़ोन के अंदर रिसीव पे क्लिक करना है, जैसे आपको पूरा डेट बैकअप चाहिए जिस फ़ोन के अंदर, वहाँ पे आपको रिसीव बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको यहाँ पे पूरा डेटा ट्रांसफ़र करना है। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।